हेलो गाइस, व्हाट्स अप, कैसे आप सब लोग। सो चलिए गाइस, अब आगे चलते हैं एमाइंस में। अब हमारा सिर्फ एक प्रिपरेशन मेथड बच रहा है, वो लास्ट प्रिपरेशन मेथड भी हम लोग खत्म करेंगे, जिसका नाम है कर्टियस रिएक्शन। नेमिंग केमिकल रिएक्शन है, बहुत ध्यान से उसको चेक करेगा। सो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं, ध्यान से उसको देखिएगा। देखिए, कर्टियस रिएक्शन में क्या करना होता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, केमिकल रिएक्शन को लिखने वाले हैं, फिर उसके बाद उसके मैकेनिज्म को चेक करेंगे, ठीक है। सो देखिए, कर्टियस रिएक्शन में हमको एसाइल एजाइड की जरूरत पड़ती है। तो एसाइल एजाइड क्या होता है, जरा देखिए, यहां ध्यान से इसको देखिएगा। एसाइल का मतलब आर सी डबल बॉन्ड ओ, और एजाइड का मतलब क्या होता है, N3। दिस इज कॉल्ड एजाइड। क्लियर होता है सब लोगों को, N3, तीन तीन नाइट्रोजन, इसको हम लोग एजाइड कहते हैं। सो ओवरऑल इसका नाम क्या होगा, दिस इज कॉल्ड एसाइल, ठीक है, एसाइल एजाइड, एसाइल एजाइड, ये इसका नाम हुआ। बहुत ध्यान से इसको चेक करेगा। अब अगर आपने इसको हीट अप किया, अगर आपने इसको हीट अप किया तो रीअरेंजमेंट होकर यहां पर क्या बनेगा, यहां पर बनेगा R, उसके बाद N डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O। क्लियर होता है, हीट अप करने के बाद ये बनेगा। और ये सेम कंपाउंड आपको होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन में भी मैकेनिज्म में मैंने आपको दिखाया था। क्लियर होता है, इसको बोलते हैं आइसोसायनेट, इसको क्या बोलते हैं, आइसोसायनेट, ठीक है। और फाइनली अगर आपने हाइड्रोलिसिस करवा दिया, तो आपको 1 डिग्री एमाइन मिलेगा। हाइड्रोलिसिस अगर आप शॉर्ट ट्रिक में याद करना चाहते हो तो कुछ नहीं है, यहां पर देखिए, ये देखिए, ये है ऑक्सीजन और ये उसके दो हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं। सो आपको इस तरह से बॉन्ड को क्लीव करना है, तो क्या बन गया आपके पास, RnH2 एंड देन CO2, दिखाई दे रहा है सब लोगों को। सो फाइनली आपको 1 डिग्री एमाइन मिल गया यहां से। दिस इज कॉल्ड कर्टियस रिएक्शन। अब इसके मैकेनिज्म को हम लोग चेक करेंगे। यहां पर ये देखिएगा, प्रोडक्ट क्या है, फोकस ऑन दी प्रोडक्ट, दैट इज 1 डिग्री एमाइन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर करिए, आपको एसाइल एजाइड की जरूरत है, N3 लगा होगा, तीन तीन नाइट्रोजन। इसको मैकेनिज्म में आपको अच्छे तरीके से यहां पर समझाऊंगा, लेकिन फोकस करिए, एसाइल एजाइड की हीट करने के बाद आपको रीअरेंजमेंट होने के बाद आइसोसाइनेट मिलता है। ये वही इंटरमीडिएट है जो हमने कहां पढ़ा था, होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन में। अगर आपने होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन नहीं देखी है तो प्लीज पीछे वाली वीडियो जाके देखिए, आपको लास्ट 1 और 2 वीडियोज में मिल जाएगा। उसमें हमने मैकेनिज्म में इसको अच्छे तरीके से समझा था। उसके बाद यहां पर हाइड्रोलिसिस करवाते ही आपको एमाइन और CO2 बाहर निकल जाएगा। अब इसके मैकेनिज्म को हम लोग चेक करेंगे, लेकिन उससे पहले एग्जांपल के तौर पे आपको बता देता हूं कि अगर आपको यहां पर ये चीज दिखे तो आपको प्रोडक्ट कैसे बनाना है। सपोज करिए कि आपके पास यहां लिखा हुआ है CH3, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, और यहां पर लिखा हुआ है N3 एसाइल एजाइड, और यहां पर लिखा हुआ है, जरा ध्यान से उसको चेक करेगा, नंबर 1 में हीट एंड नंबर 2 में H2O, दिखाई दे रहा है सब लोगों को। तो मैं आपसे सिंपल सी बात बोल रहा हूं, जरा ध्यान से इसको चेक करो। यहां से आपको इनडायरेक्ट वे से 2 गैसेस बाहर निकालनी है, एक तो CO2 और दूसरी नाइट्रोजन। क्लियर होती है, सो यहां पर CO2 एंड नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगा। ओवरऑल यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, दैट इज CH3 और उसके बाद NH2। बहुत इंपॉर्टेंट है, चेक करिएगा भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने ये गायब कर दिया इस R को, यहां से एक N लिया और यहां से बाकी दोनों नाइट्रोजन भी गायब कर दिए और हाइड्रोजन दे दिया। ये तो सिंपल तरीका है, क्लियर हो गया। फाइनली यहां पर मिथाइल अमाइन बन गया, लेकिन इसका मैकेनिज्म क्या है उसको अपन फटाफट से अभी चेक करते हैं। लेकिन ध्यान से फोकस करिए, क्या करना है आपको, स्ट्रेट फॉरवर्ड यहां से इसको गायब करना, और ऐसा सोचना है कि ये तो CO2 की फॉर्म में बाहर निकलेगा। यहां से इसको गायब करना है 2 नाइट्रोजन को, और N2 की फॉर्म में इसको बाहर कर देना है। तो ये भी बाहर निकल गया, ये भी, एक नाइट्रोजन यहां बचा। क्लियर होता है, उस नाइट्रोजन को 2 हाइड्रोजन पकड़ाने, और ये CH3 आपको 1 डिग्री एमाइन दे देगा। फोकस ऑन दीज थिंग्स, ये शॉर्ट ट्रिक्स आपको काफी ज्यादा मदद करेंगी, क्योंकि यहां पर वर्ल्ड का सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है, दैट इज नाइट्रोजन। बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, वो आसानी से एजाइड से बाहर निकल जाता है, इसलिए यहां से एमाइन बनाना आसान है। फोकस करिएगा, एमाइन बनाना आसान है। क्लियर होता है सब लोगों को। सो इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद इसकी मैकेनिज्म को चेक करते हैं, और मैकेनिज्म में आपको एक एक चीज बराबर समझ में आएगी, फोकस करिएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं, ले लीजिए। सो चलिए गाइस, अब आगे चलते हैं, कर्टियस रिएक्शन का मैकेनिज्म चेक करते हैं।
अगर आप लोगों ने होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन का मैकेनिज्म देखा है, जो कि मैंने लास्ट दो या तीन वीडियो पहले ही करवाया था, सो आपको ये जो मैकेनिज्म है बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन नहीं देखा है तो भी समझ में आ जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। तो ध्यान से इसको देखिएगा। देखिए यहां पर सबसे पहले क्या है, आपको कर्टियस रिएक्शन में क्या लेना पड़ता है, एसाइल एजाइड। उसको देखिए यहां पर मैं लिखता हूं एसाइल एजाइड का फॉर्मूला, उसको मैं यहां पर लिखता हूं, देखिए आर सी डबल बॉन्ड ओ। अब एजाइड में तीन नाइट्रोजन होते हैं, उसकी स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिएगा, यहां पर एन, उसके बाद यहां पर फिर से एन, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड एन। अब जरा फोकस करिए, इसने यहां पर चार बॉन्ड बनाए इस नाइट्रोजन ने, तो तीन तो ये रहे, अब चौथा इसका मतलब यहां लोन पेयर उसने डोनेट किया होगा, तो इसका मतलब यहां पर क्या आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि इसने डोनेट किया है, इसने एक्सेप्ट किया, तो यहां पर क्या आएगा, नेगेटिव। बहुत इंटरेस्टिंग है। सो दिस इज कॉल्ड एसाइल एजाइड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एसाइल एजाइड। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। अब देखिए यहां पर अगर आप हीट अप करोगे तो यहां पर क्या होगा, जरा उसको चेक करेगा। सबसे पहले तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, ये नाइट्रोजन यहां पर इस साइड पर इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। इस साइड पर ही क्यों किया, क्योंकि ये जो कार्बन है वो बेचारा कार्बन है, ऊपर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इधर भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इसको थ्री इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत, क्योंकि ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को, पाई इलेक्ट्रॉन्स को कभी भी खींच सकता था। ऐसा ही ऑक्सीजन ने किया, ऑक्सीजन ने क्या किया, जैसे ही यहां पर एक बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, कार्बन पांच बॉन्ड तो बना नहीं सकता, इस ऑक्सीजन ने क्या किया, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को खींचा। लेकिन वापस उसने बैक बॉन्डिंग करी, तो उस केस में ये जो R है वो R माइनस की फॉर्म में यहां से बाहर हो गया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा चेक करिए, इस नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, इसने ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचे, वापस ये बैक बॉन्डिंग करी और ये R R माइनस की फॉर्म में यहां से बाहर हो गया। लेकिन ये सिर्फ बाहर नहीं होता, ये उसी नाइट्रोजन को हेल्प करने पहुंच जाता है। वैसा क्यों है, क्योंकि यहां पर वर्ल्ड का बेस्ट लिविंग ग्रुप आपको नाइट्रोजन की फॉर्म में दिख रहा है। ये नाइट्रोजन बाहर निकल सकती है, गैस स्पॉन्टेनियस है, जरा चेक करिएगा। यहां पर एंट्रोपी भी उसको सपोर्ट करेगी कि नाइट्रोजन, एजाइड ग्रुप क्यों फेमस है, एजाइड ग्रुप इसीलिए फेमस है क्योंकि वहां से नाइट्रोजन गैस आसानी से बाहर निकल सकती है। तो यहां पर नाइट्रोजन गैस आसानी से बाहर निकल सकती है, तो अब होगा क्या, जरा उसको चेक करिएगा। तो मैं यहां पर वही स्टेप को यहां पर लिखता हूं, बहुत ध्यान से चेक करिएगा। सो फाइनली यहां पर क्या होगा, जरा चेक करिए, आर तो निकल गया, तो ये ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड कार्बन, तो मैं एज इट इज लिख रहा हूं ऑक्सीजन, ठीक है, सबको दिखाई दे रहा है, डबल बॉन्ड कार्बन, ये देखिएगा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन, अब यहां पर भी डबल बॉन्ड है, क्लियर होता है। सो फाइनली यहां पर भी है डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, उसके बाद यहां पर नाइट्रोजन जिसके ऊपर पॉजिटिव है, और ये यहां पर ये देखिए, और ये R माइनस की फॉर्म में अभी अभी ताजा ताजा ये बाहर निकला है। मैं चाहता तो मैं इसको सीधे ही खिसका सकता था, ये सीधे किधर जाएगा, इसी नाइट्रोजन के पास, और ये बाहर निकल जाएगी गैस। अब कई लोग यहां पर दिमाग लगाते हैं, सर ये R माइनस उधर क्यों नहीं गया। देखिए आप खुद से सोचिए, थर्मोडायनेमिकली सोचा करिए, अगर यहां पर गैस बाहर निकल रहा है इसका मतलब एंट्रोपी पॉजिटिव है, तो हमेशा केमिकल रिएक्शन वो स्पॉन्टेनियस होती है जहां पर एंट्रोपी बढ़ रही हो। सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए साफ तौर पे नजर आता है कि ये जो नाइट्रोजन है, बेसिकली ये जो R- है वो क्या करेगा, इस नाइट्रोजन को अप्रोच करेगा, उस केस में दोनों इलेक्ट्रॉन लेके यहां से नाइट्रोजन गैस बाहर हो जाएगी। फोकस ऑन एवरीथिंग, हर एक चीज का रीजन है, एंट्रोपी सपोर्ट कर रही है, मतलब यहां पर कोई चीज फ्री हो रही है। अगर कोई चीज फ्री हो रही है, एंट्रोपी पॉजिटिव है, चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव है, तो वो काम स्पॉन्टेनियस होगा, अपने आप होगा। तो यहां पर नाइट्रोजन गैस बाहर निकला और ये R माइनस जो है बेसिकली अपने दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करके नाइट्रोजन के साथ जुड़ गया। तो क्या बना उसको चेक करिए, सबसे पहले तो नाइट्रोजन गैस बाहर निकली है और अब ये जुड़ चुका है, तो क्या बना है, ये देखिए O, यहां पर C, यहां पर डबल बॉन्ड N एंड देन R, आइसोसाइनेट बन गया, R N C O, आइसोसाइनेट बन गया, क्लियर होता है। अब वाटर का रोल है, अब यहां से होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन का सेम मैकेनिज्म फॉलो होगा। अब इस केस में ये कार्बन फिर से बेचारा है, इस केस में क्या होगा, वाटर आएगा, ठीक है, हाइड्रोलिसिस होगा, इस ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर जो इसको डोनेट करेगा, उस केस में जो लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन पे शिफ्ट होंगे, दिखाई दे रहा है, और क्योंकि ये लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो चुके हैं, तो अब आगे क्या होगा, ये वाटर का मॉलिक्यूल इस कार्बन से जुड़ गया। अब सेम मैकेनिज्म है, कोई फर्क नहीं है ना, तो फोकस ऑन दिस थिंग, ये देखिए अब हम आगे चल रहे हैं। सो फाइनली क्या हो चुका है, ऑक्सीजन, यहां पर कार्बन, ये पूरा वाटर का मॉलिक्यूल जुड़ चुका है, तो मैं उसको नीचे यहां पर लिख देता हूं, यहां पर ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन उस पर है पॉजिटिव ऑक्सीजन पे, और एक सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, और उसके बाद सिंगल बॉन्ड R इस पर है माइनस। अब देखिए मजे की बात, यहां पर इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा, क्यों होगा,
ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन खींचेगा किससे, इस हाइड्रोजन से, क्योंकि इस पे पॉजिटिव आ रखा है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन खींचेगा। दोनों इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड से अगर खींचा उसने, ध्यान से उसको चेक करेगा, तो हाइड्रोजन एच प्लस की फॉर्म में किधर पहुंच जाएगा, इस नाइट्रोजन के पास, दिखाई दे रहा है सब लोगों को। सो फाइनली क्या बना वो मैं आगे लिखता हूं। सो फाइनली ये रहा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन यहां पर आ चुका है ओ एंड देन एच, उसके बाद यहां पर एन एच एंड देन आर, हम लोग अपने प्रोडक्ट के बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं, दिखाई दे रहा है। सो यानी आपको वन डिग्री अमाइन बनाना था, आर एन एच तो हो चुका है, एक हाइड्रोजन चाहिए और ये बॉन्ड को तोड़ना है, बहुत आसान है। फिर से एक हाइड्रोजन को आप क्या करो यहां से ट्रांसफर, कैसे होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, क्यों, अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ऐसे CO2 गैस बाहर निकल सकता है, एंट्रोपी फिर से पॉजिटिव है, एक गैस जब बाहर निकल सकती है एंट्रोपी पॉजिटिव है, सपोर्ट कर रहा है थर्मोडायनेमिकली, तो CO2 बाहर निकलेगा, तो यहां से हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं जिससे CO2 गैस बाहर निकलेगा, जब कार्बन एक बॉन्ड बनाएगा तो एक बॉन्ड तोड़ेगा भी, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे और ये हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, खुद से दिमाग लगाओ, बहुत आसान है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए, उस केस में ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए और ये हाइड्रोजन उसके साथ चला गया, आपका प्रोडक्ट बन गया। सो फाइनली एंट्रोपी क्योंकि सपोर्ट कर रही थी, CO2 गैस यहां से बाहर निकली और फाइनली यहां पर बन गया है RnH2। दिस इज वन डिग्री एमाइन गाइस, बहुत ही सिंपल है, चेक करिए। नाउ दिस इज योर मैकेनिज्म फॉर कर्टियस रिएक्शन, फिर से बताता हूं, दिस इज एसाइल एजाइड, ये क्यों फेमस है, क्योंकि यहां पर बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है, नाइट्रोजन गैस आसानी से बाहर निकल सकती है, तो उस केस में सबसे पहले इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, इसने वापस से खींचे फिर फेंके, यहां पर R- की फॉर्म में बाहर निकला, इस R- इस नाइट्रोजन को अप्रोच किया, क्यों, क्योंकि थर्मोडायनेमिकली यहां से क्या बाहर निकल रहा है, नाइट्रोजन गैस, तो उसके लिए वो ज्यादा आसान होगा, यहां से बाहर निकल चुका है, ये R जुड़ चुका है, वाटर आएगा पिक्चर में, कार्बन को सपोर्ट करेगा, अब वाटर के कार्बन को सपोर्ट करने के पीछे का सेंस क्या है, क्योंकि यहां पर CO2 गैस को अब बाहर निकलना है, तो अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड बोले, पहले इसने डोनेट किया फाइनली हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन से उसने क्या कि इलेक्ट्रॉन खींचे, हाइड्रोजन शिफ्ट हो गया नाइट्रोजन के पास, सिंपल, उसके बाद फिर से प्रोटॉन को शिफ्ट किया गया, यहां से दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए, यहां से ये हाइड्रोजन उसके पास चला गया और फाइनली यहां पर वन डिग्री अमाइन तैयार हो गया। ये मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म एक्चुअल में सीधी तो कभी पूछे नहीं जाती है, लेकिन यह आपको आपके फंडामेंटल्स में सपोर्ट बहुत करती है, जैसे कि शायद ये पूछा जा सकता है कि इंटरमीडिएट बताइए, तो एक्चुअल में यहां पर आर एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, ये एक इंटरमीडिएट है जो कि आपके होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन और कर्टियस रिएक्शन दोनों में आपको दिखाई देता है। अब ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, क्लियर हो गया। सो अगेन दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट, फोकस करिए। सो फाइनली मैकेनिज्म यहां पर खत्म हो गया। सो चलिए गाइस, अब अगली वीडियो मिलेंगे, टिल देन अच्छे से प्रैक्टिस करिए। यहाँ पर प्रिपरेशन मेथड्स पूरे खत्म हो चुके हैं, हम लोग कोशिश करेंगे कि एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स अब अगली वीडियो में कर ले। टिल देन गाइस, बहुत ध्यान से सारी वीडियोस को देखना है, अच्छे से सारी मैकेनिज्म को लिखना है। आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ा मैं अनाउंसमेंट करने वाला हूं और उसमें आपको मेरे साथ जुड़े रहना है और आपको बहुत खुशी होगी वो चीज़ जान के। टिल देन वेट करिए, वो अनाउंसमेंट बहुत जल्दी होगी और उसके अलावा मेहनत करते रहिए, और अगर आप लोग मेहनत कर रहे हैं तो मैं आपके साथ हूँ। जनवरी में बहुत कुछ बदलने वाला है। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।